कन्हैयालाल की बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैयालाल की नंद के आनंद भयो जिनको भी कृष्ण भक्त कहे वो इनको भी मारने फिर बाद में मिलेगा राधा रानी जन्म लेंगे फिर बहुत कुछ मिलेगा बच्चे सब चुपचाप बैठे एक एक बार हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक बार जोर कर बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हाँ देखो देखो अभी मथुरा में चलते हैं अभी देखो मथुरा में क्या हुआ जब श्री वसुदेव महाराज वहां से बेटे को रख करके बेटी को ले आए लाते ही बेटी ने जोर से रोना प्रारंभ कर दी जितने पहरादार जग गए महाराज कंस को बोले महाराज कंस तेरा काल ने जन्म ले लिया कंस तो भागते भागते गए और देखा वहां पर बेटा नहीं वहां पर बेटी देवकी बहुत कोशिश की बोले बेटा होता तो तेरे को मारता बेटी थोड़ी मारेगी इसलिए केवल ये बेटी को मेरे को दे दे तू मेरे छह छह बच्चों को मार डाले हो लेकिन ये कंस सुनने वाला नहीं है बोला बेटा क्यों बेटी क्यों नहीं हो आकाशवाणी हुई थी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा अभी तक तो वो जोग माया थी लेकिन वो कंस स्पर्श करते वो हो गया महामाया जब उसने उसको पछाड़ने के लिए लिया उसने कंस को चरण किए ठोकर मारे ठोकर मार करके आकाश में उड़ गई और कंस तो वहीं पर लुढ़क पड़ा और अष्ट भुजाओं को धारण करते हुए बोली रे मोरे कंस तो मुझे क्या मारोगे तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है उसने देखा ये तो मेरी कुलदेवी है ये कभी झूठ नहीं बोल सकती है उसने अपना जितने अनुजाइयों को बुलाया दृणाभर्त सकटासुर बकासुर और पुतना सबको बुलाए बोले बताओ अभी क्या करनी चाहिए पुतना खड़ी हो गई बोले भैया चिंता क्यों करते हो मेरे नाम ही पुतना पुतना मतलब क्या पूतना जिसको पुत्र नहीं फिर ये पूत का क्या जरूरत है अगर तेरे काल में जन्म लिया होगा एक महीना को अंदर महीना बोले हाँ बोले मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ तो मेरे को आदेश दे सब तक मैं मार डालूंगी इतने में पुतना कहाँ जाती है गोकुल में आ जाती है हमारे प्रभु जी अभी आपको कथा सुनाएंगे ये पुतना व्रत की कथा सुनाएंगे श्री गुरुवेभ्यो नमः ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया च उद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी स्वरकुशलतया रागकर्तार्जनोद्भूत इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकराह कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रा बभूव हरे कृष्णा मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म पूज्य पाद श्री महाराज जी के श्री चरणारविंदों में प्रणाम करता हूँ तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव ओम नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करता हूँ उपस्थित समस्त वैष्णव जन जो आज भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं ऐसे समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूँ
हम लोग श्रीमद् भागवत जी का दिव्य श्रवण कर रहे हैं, इससे आगे का चरित्र जो है वो पूतना प्रसंग है। महाराज जी ने पूतना शब्द की व्याख्या कर दी है। कंसे ही प्रेषित घोरा पूतना बाल घातिनी, ये बच्चों को मारने के लिए कंस ने भेजी है। जब ये गोकुल में पधारी, जब ये गोकुल में आई तो बड़े ही सुंदर श्रृंगार से आई। ताम केश बंद रतिसत्त मल्लिकाम विवर्चनी, ताम केश बंद रतिसत्त मल्लिकाम बृहन्नदक मद कच्छ मध्यमाम सुभाषितम भूषण कर्ण योषित त्यसन रसत कुंडल मंदितानाम वलगु स्मृतापांग विसर्ज विक्षितई मनोहरंतिम बनका ब्रजौ कसाम। ये पूतना जब आई ब्रज में तो इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो साक्षात लक्ष्मी जी पधारी हैं। आकाश में जितने तारे हैं उसने उसको बलात वहां से निकाल करके और अपनी साड़ी के ऊपर सुशोभित कर लिया। दो बादलों के टकराने से जो बिजली उत्पन्न होती है उसने बलात वहां से खींच करके मानो अपने नैनों के ऊपर सुशोभित कर लिया हो। काली काली रात को उसने बलात वहां से खींच करके मानो अपने काजल के रूप में सुशोभित कर लिया हो। सिंघनी की मदमस्त चाल को उसने बलात वहां से खींच करके मानो अपनी कमर में चाल के रूप में सुशोभित कर लिया हो। सरस्वती की वीणा से उत्पन्न सप्त स्वरों को उसने बलात वहां से खींच करके मानो अपने नूपुरों के रूप में सुशोभित कर लिया हो। अलग अलग प्रकार के पुष्पों को गुलाब जूही केतकी चंपा पाटिल इत्यादियों को उसने बलात वहां से खींच करके मानो अपने जूड़े के ऊपर सुशोभित कर लिया हो। कटी किंकणी कुरन करती हुई हाव भावों को प्रकट करती हुई मंद मंद मुस्कुराती हुई पूतना ब्रज में पधारी। अब जब पूतना ब्रज में आई तो सारी की सारी गोपियां जो श्री लाला के आसपास थी उसने उनको जगह दी कि कितनी सुंदर देवी आई है, इनको लाला के दर्शन करने हैं। तो सारी की सारी गोपियों ने रास्ता दे दिया उन्हें। जैसे ही पूतना आई और पूतना ने श्री भगवान को निहारा, श्री भगवान ने पूतना को देखा तो पूतना को देखते ही श्री भगवान ने अपने दोनों आंख बंद कर लिए। अब भगवान ने दोनों आंख क्यों बंद कर लिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारी चक्रवर्ती पाठ की टीका में जो इसका मुख्य कारण है वो यह है कि पूतना जो है वह अज्ञान का प्रतीक है, अविद्या का प्रतीक है और भगवान विद्यात पुंज है, विद्योत पुंज श्री भगवान विद्याग्रगणी है। इसलिए अविद्या को देख करके कि यह किसी गुरु की शरण में नहीं गई और इसको दीक्षा का प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए इसका जो हृदय है वह दूषित है, अतः एव भगवान ने उसको देख करके नयन बंद कर दिए। दूसरा कारण, मानो आंख मूंद करके श्री कृष्ण शिव जी को याद कर रहे हैं कि हे प्रभु, जब सागर मंथन में से 14 रत्नों के साथ विष निकला था, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धनवंतरिश चंद्रमा धेनु काम दुगा सुरेश्वर गजो रंभाज देवांगना अश्व सप्तमुखो विषम हरिधनो शंखम मृतम चाम्बुदे रत्ना नीति चतुर्दशम प्रतिदिनम कुरुवंतु नो मंगलम। तब आपने उस विष को लिया था, सारे देवता आपकी शरण में पहुंचे थे, तो आपने पीत हलाहल पी महेश ने कियो जगत कल्याण। गोस्वामी जी लिख रहे हैं आपने उस विष को पान करके जगत का कल्याण किया, ऐसे ही ये पूतना अपने स्तन पर विष लगा करके लाई है, तो आप एक काम कीजिए, आप विष तो आप पान कर लीजिए और दूध दूध मैं पान कर लूंगा। श्री भगवान बोले अरे अभी से ही बहुत चलाक हो गए हो आप तो। अतः एव भगवान ने इसलिए आंख बंद करी क्योंकि वो शिव जी को याद कर रहे थे। और भी बहुत कारण है। एक कारण है, भगवान ने क्यों बंद करी अपनी आंख, वे सोच रहे थे कि क्या मैंने इसको पूर्व जन्म में कुछ वरदान दिया है। फिर उन्होंने ध्यान से देखा, ध्यान से अपने दिव्य चक्षुओं से देखा कि हाँ ये पूर्व जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला है। जब मैं वामन रूप में पहुंचा था तब जब मैंने कहा था भिक्षाम देही तब ये भी वहां पर उपस्थित थी, और जब ये वहां पर उपस्थित थी तो जब मेरे सुंदर स्वरूप को इसने देखा तो इसकी इच्छा हुई कितना सुंदर बालक है, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं इसको अपना दूध पिलाऊं। भगवान रीझ गए उसके भाव पे, भगवान ने कहा एवं अस्तु, पिला लियो दूध। उसके बाद जब भगवान त्रिविक्रम हो गए, इतने
हो गए जब भगवान ने बलि से मांग लिया सब कुछ। स्वस्ति स्वागत मर्तहम किम देहिताम मेदनिम कामात्रा मम विक्रम त्रयमिदम। अरे मुझे तीन पग भूमि दे दे। तो भगवान ने सारे लोगों को नाप लिया। तो जैसे इस रत्नमाला ने देखा, देख करके इतना गुस्सा हुई, कहा कितना छलिया है, इसको दूध नहीं दूध की जगह विष पिला दूं। भगवान ने उसी समय कहा एवं अस्तु, चल विष भी पिला लियो। तो आज भगवान आंख मूंद करके सोच रहे हैं कि हाँ, ध्यान आ गया भगवान को कि हाँ ये आ गई है। उसने क्या किया, यशोदा जी की आज्ञा ली, मैया क्या मैं लाला को गोदी में ले लूं? तो मैया ने कहा ठीक है। जब उसने लाला को गोदी में लिया और अपने निजस्तन को, अपनी निजकंचुकी को ऊपर करके निजस्तन भगवान श्याम सुंदर के मुखाम्बुज में प्रवेश किया, चुसुर चुसुर करके श्री भगवान पूतना का दूध पी रहे हैं, चुसुर चुसुर करके श्री भगवान उसकी पाप राशियों को पी गए, उसके पाप को पी गए, संताप को पी गए, श्राप को पी गए, कलुष को पी गए, क्लेश को पी गए, किल्मिश को पी गए, इत्यादि समस्त दोषों को पी गए, उसके भया भरे संस्कार को पी गए। और जब भगवान उसके प्राण पीने लगे तो वो जोर से चिल्लाई समुंच मुंचा विभरत प्रभाषिणी, अरे लाला मुझको छोड़, मुझको छोड़, अरे मुझको छोड़ छोड़। भगवान ने कहा मैया मुझको तो एक ही काम आवे, क्या तो मैं किसी को पकड़ू नहीं और पकड़ू तो वाकू छोड़ू नहीं। इसीलिए भगवान का यह नियम है कि एक बार भगवान की शरण में जाकर के तो देखो, अगर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री भगवान की दृष्टि पड़ गई तो तुम भी कितना प्रयास कर लेना, ये नंदलाल नहीं छूटेगा। इस कारण से जब उसके प्राण पिए तब वो पूतना एकदम से पृथ्वी पर धड़ाम से गिरी। भगवान ने उसको उस जगह घेरा जहां कंस का बहुत बड़ा बगीचा था, इसलिए भगवान ने उसको वहीं घेरा। क्यों उस बगीचे में क्यों घेरा, बहुत सारी जगह थी घेरने के लिए। तो हमारे टीकाकार कहते हैं उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फल थे, वृक्ष थे, बहुत सुंदर सुंदर फल थे, लेकिन वो फल कृष्ण के लिए नहीं थे, वो कंस उसको खुद ही आरोगता था। इसीलिए वो जो चीज भगवान के लिए नहीं है वह अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। इसलिए भगवान ने कहा चल वो मेरे लिए नहीं है ना, तो वो तेरे लिए भी नहीं होगी। इसलिए पूतना को उठाया और उसी बगीचे में गिरा दिया। अब देखो पूतना को गिरा दिया, अब सारे के सारे ब्रजवासी भागे। इतनी जोर से आवाज आई और जैसे ही जोर से आवाज आई और ब्रजवासी भागे, देखे इतनी बड़ी पूतना, उस पूतना को देखा, देख करके सीढ़ियां लगा के, इसके हाथ पर सीढ़ी लगा के पूतना के ऊपर चढ़े गोप लोग। जब चढ़े ऊपर तो लाला को, सुंदर लाला को उठा करके नीचे ले आए। जब भगवान को नीचे लेकर के आए तो सारी की सारी गोपियों को चिंता हो गई कि इतनी भयंकर राक्षसी है और लाला को इसने गोदी में उठाया है, तो जरूर ये कुछ काला नजर इसने लाला को लगा दिया होगा, हमारे लाला को कहीं नजर ना लगे, हमारे लाला पर इस पूतना की काली छाया ना पड़े। इसलिए सब लोगों ने, सब गोपियों ने क्या किया, श्री लाला को सुंदर गौशाला में ले गई और गौशाला में ले जाने के बाद गाय की पूंछ से झाड़ा दिया और जिस मंत्रों से झाड़ा दिया वो मंत्र सारे के सारे श्री भगवान के नाम है। यह नाम महिमा का प्रकट होता है। अव्या अजम भ्रीमणिमास्तव जन्म थोरु यज्ञोच्चुतं कटिजकं जठरं हयस्य यत्केश वस्तु दुर ईश इनस्तु कंठं विष्णुर्मुखं मरमुरुक्रम ईश्वरक्रम चक्रग्रद सहगदो हरिरस्तु पश्चात् तत्पार्श्वयोर् धनुरसी मधुहाजनश्च कौणेषु शङ्ख उरुगाय उपर्युपेन्द्र स्ताक्ष इव संप्रमन्योः इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरो वतु कृष्णवर प्रश्निगर वस्तु ते बुद्ध्यात्मानं भगवान परम क्रीडन्तं पातु गोविंदं शयानं पातु माधव। माधव मेरे बच्चे की पेट की रक्षा कर, यशोदा जी कह रही है। भगवान के नाम की महिमा देखो, भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है। चक्रधर भगवान मेरे बच्चे के उदर की रक्षा करे, हलधर भगवान मेरे बच्चे की छाती की रक्षा करे, नारायण भगवान मेरे बच्चे के दोनों घुटनों की रक्षा करे, केशव भगवान मेरे बच्चे के सर की रक्षा करे। देखो भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दिया जा रहा है। भगवान का नाम कितना बड़ा है।
अरे जो कृष्ण की भी बाधाओं को हर ले वो भी कृष्ण का नाम है, तो सोचो हमारी बाधाओं को हर ले तो क्या भगवान का नाम नहीं हर सकता? भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। और ये एक एक नाम से ना उनको तिलक लगा रहे थे, इसलिए वो आता है वहां पर द्वादश अंगेशो, हम 12 अंग में 12 तिलक लगाते हैं। मैया जसोदा लाला को जो पुतना आ गई गोरज से ब्रज रज से, मैया जसोदा ये तिलक तो लगा रही थी एक एक नाम। अभी उन्होंने जो नाम बताया ना ये 12 अंगों के में, ललाट के सवाय नम उदर नारायण बक्के माधव कंठे गोविंद दक्षिण पार्श विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन धराय ऋषिकेश, ये 12 भगवान का नाम है। अभी प्रभु जी आपका तिलक के बारे में बताएंगे, ये तिलक हम क्यों लगाते हैं? आप देखना भगवान राम को देखो तिलक, भगवान कृष्ण को देखो तिलक, नारायण को भी तिलक देखोगे, हनुमान जी को भी देखो तिलक, गणेश जी कोई भी आप ठाकुर जी को देखना, ठाकुर भी तिलक के बगैर नहीं रहते। आप माताएं मांग भरी ना, सिंदूर लगाए, सिंदूर का बिंदु लगाए, मंगल सूत्र आप लोग धारण करती करती कि नहीं है? करती हो, क्यों? यदि ये सुहाग का चिन्ह है, ये सुहाग का चिन्ह है। कोई कोई कहते ना अरे दुनिया को दिखाना इतनी लंबी लंबी तिलक लगा करे के गले में कंठी लेकर बड़े साधु होकर घूम रहे हैं सबके साथ। कोई कोई बोलते ना सब तिलक तिलक लगाने का क्या जरूरत है, अरे भगवान को थोड़ी दुनिया को दिखाना है। नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे आप लोग के अंदर में कोई सदभाव बैठे हुए हो, हमको पता नहीं चलता तुम सदभाव, ये सिंदूर मांग है मंगल सूत्र से संख्या से पता चलता है आप सदभाव है ना। और जो विधवा उसके अंदर में तो विधवा के चिन्ह है ही है। इसलिए जब देखो, जब साधारण पति के लिए हम इतने धारण कर सकते हैं, भैया पति कब बने बताओ, शादी से पहले कोई मतलब था पति से? अगर बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया अपने डेवस हो जाते, मरने का बात तो सब गया। भैया 2 दिन के पति के लिए जब इतने सखा संखा सिंदूर लगाते हैं, जो हमारी जन्म जन्मांतर का पति है, जो हमारी असली पति, इसलिए रुक्मणी कहती है ना, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, बराबरी और गोपाल दूसरा जो चुड़ल अमर हो जाए है। यदि जो तिलक है ना, ये तिलक धारण करोगे ना, जैसे मानो तुम्हारी पति है, तुमने सारे सदभाव का चिन्ह को मिटा दो, एकदम विधवा राप रूप धारण करके सफेद साड़ी पहन करके पति को पास में पहुंच जाओ, आप बताओ तुम्हारी पति तुम्हें स्वीकार करेगा कभी? क्या बोलेगा? बोले मैं जिंदा रहते रहते तुमने मेरे को खत्म कर डाली हो, यही बोलेगा ना। भैया जब जगत का पति ही तुम्हें स्वीकार करना नहीं चाहते हैं विधवा रूप से, वो बाके बिहारी कैसे स्वीकार करेंगे? अगर तुम्हारी तिलक है, कंठी है, तुम्हारी माला है ना, बाके बिहारी अपने आप समझाएंगे ये मेरी है, ये मेरी है। अगर कंठी तिलक तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पास तिलक कंठी तिलक नहीं है, जितने तुम मणि का हार है, किसी के गले में कौस्तुभ मणि का हार है, लेकिन धन्य है पूतना, आज नीलमणि बनकर के श्री भगवान स्वयं पूतना के कंठ में विराजमान है। इसलिए पूतना की शोभा देखो, पूतना का संस्कार किया गया, उसके बाद उसमें से धुआं निकली, वो पवित्र धुआं थी, ये सारा का सारा चरित्र है, इसको भगवान पूतना उद्धारक चरित्र कहते हैं। इसका जो श्रवण करता है, सुखदेव जी कहते हैं श्री भगवान उसको अपनी भक्ति प्रदान करते ही करते हैं। मन रहती है ना, बताइए गोविंद कहाँ गए हैं? देखिए जब हम नहाते हैं, हम लोग तो रोज ही नहाते हैं ना, जब नहाते हैं और गले में यदि तुलसी है और वो तुलसी का जल हमारे मुख को छूता हुआ, गले में तुलसी हमारे वो जो जल है वो मुख को छूता हुआ तुलसी का जब स्पर्श पाता है और पूरे शरीर पर गिरता है, तो पूरे के पूरे भारतवर्ष की पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह है तुलसी की महिमा। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्व तीर्थेषु स्नानम् भवनिधि तेन न संशयः। जो तुलसी जी को नित्य प्रति सुबह उठ करके प्रणाम करता है, माताएं पुरुष जो है वो साष्टांग प्रणाम और माताएं जो है पंचांग प्रणाम जो करती हैं, जब करते हैं तो श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, कहते हैं कि जो तुलसी जी को प्रणाम करता है उनके समस्त शरीर के जो रोग हैं वो तुलसी जी समाप्त कर देती हैं। ये तुलसी जी की महिमा है। देखो अभी सर्वे आया है ना,
कि तुलसी जी का इतना इफेक्ट है कि अगर हम लोग जो मोबाइल फोन के पीछे जो कवर है उसमें अगर तुलसी जी के ऐसे पत्ते रखते हैं, ये दिख रहे हैं ना सबको, रखते हैं ना, तो आपने सुना होगा खबर आती थी ये मोबाइल जो है वो हार्मफुल रेस जो है, जो हार्मफुल इनमें से किरण निकलती है उसके कितने दुष्प्रभाव है। पर धन्य है हमारी भगवती तुलसी जिसके स्पर्श मात्र से उन किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग इस फोन के पीछे ये तुलसी के पत्ते अवश्य रखना। अब तिलक की महिमा मैं बता दूं। देखो तिलक जो है, हम जो वैष्णवों का जो तिलक है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपुंड। ऊर्ध्वपुंड यानी नीचे से ऊपर जाता है, उसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। ऊर्ध्वम नयति यत् पुंड्रम प्राणिनाम पाप कारिणम। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड होगा ना, यदि व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है या किसी भी दशा में या किसी भी समय में या किसी भी जगह पे या किसी भी काल में मरता है, तो श्लोक है कि ऊर्ध्वम नयति यत् पुंड्रम प्राणिनम पाप कारिणम तस्याख्यम ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारित ध्वजा। भगवान का वचन है कि मरते वक्त जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड होगा उसकी दुर्गति नहीं होगी। मैं अपना विमान भेज करके विमान में वो व्यक्ति बैठ करके और मेरे धाम को प्राप्त करेगा। ये तिलक की महिमा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, धन्य है सनातन धर्म जो हमें ये सब चीजें फ्री में मिल रही है, वरना इन सब चीजों के लिए योगी तप करते करते नहीं थकते हैं। पर वैष्णव धर्म की महिमा देखो, भगवान ने कितनी सारी चीजें हमारे लिए सरल करी है कि हम लोग केवल और केवल तुलसी और तिलक धारण कर ले तो ही कितना फायदा है। ऊर्ध्वपुंड धरो मृत्योर स्मृयते यत्र कुत्रचित् स्वपाको अपि विमानस्थम् मम लोके महीयते। इसलिए तुलसी तिलक है। देखो जैसे कोई नई नई बहू है और वो नई नई उसका विवाह हुआ है और जब वो अपने घर से बाहर जाती है उसके मस्तक पर बिंदी है, मांग में सिंदूर आपोलित किया है, गले में मंगलसूत्र आपोलित किया है, और जब वह नवोड़ा नई नई दुल्हन जब वो घर के बाहर निकलती है और निकलने के बाद यदि सामने कोई कामी व्यक्ति भी है और जब वो उस पर दृष्टिपात करता है, तो जब दृष्टिपात करता है तो वह समझ जाता है कि ये किसी की परिणीता है, यह इसका पाणी ग्रहण पहले हो चुका है, इसको इसके पिता ने इसका हाथ किसी वर के हाथ में दे करके कन्यादान का सद सौभाग्य प्राप्त किया है, तो वह उस पर दृष्टिपात नहीं करता। ऐसे ही जब एक वैष्णव मस्तक पर तिलक आपोलित करता है, गले में तुलसी आपोलित करता है, हाथ में माला झोली लेकर के चलता है, तो दूर खड़ी हुई कामना और वासना और गंदी माया भी एक बार देख करके उसको सावधान हो जाती है कि अब इस पर नजर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये श्री गोविंद का है। कारण से इसकी अपार महिमा है। तिलक सबते बड़ी, भक्तमाल जी का सोट है, सबते बड़ी तिलक अरुमाला सदा सहाय रहे गोपाला। अगर ये कंठी माला तिलक नहीं पहना मैं हिंदू नहीं, हम पर को कौन हो गए? बोलो क्या हो गए मेरे, बोलो क्या हो गए मेरे। इसलिए अगर हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, भगवान राम जो किया, भगवान कृष्ण में जो लक्षण है, हनुमान जी को देखो तिलक लगाए, हमें भी तिलक लगानी चाहिए, ठीक है ना? तो लड़की बढ़िया है, तुम लोग सुने तिलक लगा कर रखे थे, आप तो हिंदू थे ना, जैसे कोई बिजनेस में जा रहे अच्छे काम के लिए, हम तिलक लगा कर भेजते कि नहीं, भैया जाओ तुम्हारी काम बन जाए। जैसे कोई पुजारी घर में पूजा कराने के लिए आता है, जब तक तिलक नहीं लगाएगा ना तब तक पूजा ही नहीं कराएगा तुमको, पहले तिलक, क्योंकि तिलक के बगैर जो पूजा निष्फल हो जाती है। इसलिए पुराण में एक श्लोक आया, वैसे पूजा करने से तुम्हें जो लाभ मिलेगा, अगर तिलक लगा कर पूजा करोगे ना हजार गुण तुम्हें फल मिलेगा। इतने महिमा छड़ गए तुलसी में। हम कहते वृंदावन चलो, बोले क्यों? बोले वाके बिहारी वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब तुलसी वन, जहां पर तुलसी वृक्ष वही पर वाके बिहारी। अगर गले में कंठी है ना, फिर तुम्हारी गले में कौन कौन हो गए बोलो? माँ लक्ष्मी और नारायण दोनों की निवास हो गए। जब महाराज यमदूत के कहते हैं, देखो जो मेरी भक्ति करते हैं उनको मेरे पास में मत लाना, बोले भैया पता किसे चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता, यमदूत पूछ रहे हैं। देखो उन्होंने क्या उदाहरण दिए, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते देखना गले में पट्टा बंधा हुआ थे,
है ना, देखने से पता लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानं विमलं दृष्टि ज्ञानंजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में दंडवत ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मंच पे आसीन पूज्य श्रीधर महाराज जी को दंडवत करती हूँ। तत्पश्चात मेरे श्रेष्ठ गुरु प्राता सीनियर वैष्णव उन सबको करता है ना। इस समय तो हम सब एडमिट हैं यहाँ पे, हम गुरु महाराज के अनुगत्या में इनके निरीक्षण में हम हमारा इलाज हो रहा है। इसके बाद 7 दिन के बाद हम यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे, हम अपने अपने घर चले जाएंगे। तो जो रोगी होता है वो अस्पताल में रहकर ही पूरा इलाज से ठीक होकर नहीं जाता, उसको